So in all probability, you're one of those students who is preparing for J and digs deep into YouTube din aur raat and life at IITs and NITs dekhte rehte ho, and jaane anjaane mein you might have been sold a lot of different fake hopes and lies, which even I was a victim of during my time of J. So in today's video, I'm going to take you through a few of my experiences of studying at an NIT, and by the end of this video, you will get to know ki ek IIT ya NIT ka jo hype itna bana hua hai na, is it really worth it or the truth is something different? Alright, hi, so my name is Akash Majumdar. I'm a pre-finalist student at VNIT Nagpur, a filmmaker and a content creator. But before digging into today's topic, we need to answer a question. Ki kyun ye JEE aur NEET jaise exams hyped up hai? Is it just the society or the high crazy packages? Aur iske peeche bhaiya kuch alag hi kahani chal rahi hai abhi. Okay, so right after our independence in 1947, our country got into nation building mode, yani ki high level of infrastructure and high level of hospitals were needed to make India the next superpower in the upcoming years. Aur uske liye hame chahiye the good quality engineers and good quality doctors. Aur saath hi mein 1970 mein smallpox aur 1974 mein jo plague epidemic hua tha, uske wajah se doctors ki need aur badh gayi, and to provide quality inspection of these two categories of jobs in India, humko exams like JEE aur NEET introduce karne pade. And naturally उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दीज जॉब्स वर लुक्ड एज जॉब्स जिसमें आपको बहुत ज्यादा हाई रिस्पेक्ट, हाई डिमांड एंड हाई पे मिला जाता था. और साथ ही में अगर ये तीन चीजें आपको मिल रही है, देन नेचुरली यू आर कंसिडर्ड टू बी एन इंटेलिजेंट चैप आउट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो लुक एट इट इन दिस वे, द जनरेशन ऑफ अवर ग्रैंड पेरेंट्स हैव एडवाइज्ड अवर पेरेंट्स टू मार्च फॉरवर्ड विद कैरियर्स लाइक मेडिकल और इंजीनियरिंग बिकॉज दे वर सेफ बैक देन एंड रिस्पेक्टेबल एंड इवन टूडे. बट 2023 में देर आर अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस विच अवर इमीडिएट नेक्स्ट जनरेशन माइट नॉट बी अवेयर ऑफ. So they have been imposing the same JEE and NEET curriculums or these entrance exams till now. तो अभी तक आपके दिमाग में क्लियर हो चुका होगा कि why these exams are really hyped up, and society की इसमें honestly कोई गलती नहीं है, because जो चल रहा है इतने सालों से and which has been proving right for them, that is being continued, because at the end of the day, जितना भी नहीं मानना मत मानो, but पैसा और safety, ये दोनों चीज़ें human beings के लिए बहुत ही ज़्यादा essential है. Why am I even studying this? ये सब पढ़ के मुझे क्या मिलेगा? Now, I am sure a lot of you college students might be facing this particular question on a regular basis. अब जब JEE के टाइम में मुझे ये क्वेश्चन आता था ना कि मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ, इसका मेरे पास क्लियर कट एक आंसर था कि भाई देख, सिंपल बात है, तेरे ये क्वेश्चन JEE में आएगा, तू नहीं पढ़ेगा तो तू चार मार्क्स ऐसे ही गवा लेगा. सो मेरा मेन मोटिव था वहाँ पर चार मार्क्स लाने का, बट कॉलेज में आके आई थॉट द आंसर वुड बी समथिंग डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम मार्क्स, बट ट्रस्ट मी देर इज नो डिफरेंस हियर एट ऑल. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि जब हम JEE दे रहे थे, ट्रस्ट मी और नॉट, 95% ऑफ द पीपल गेव JEE जस्ट फॉर द सेक कि वो एक एग्जामिनेशन है, बट द रिमेनिंग 5% गेव इट क्योंकि उन्हें एक्चुअली में इंजीनियर्स बनना है. और जब तुम इस माइंडसेट के साथ एक एग्जाम क्लियर करते हो, जाहिर सी बात है कि वेन यू गो टू द कॉलेज एंड यू डोंट हैव द इंटेंशन कि वाई एम आई हियर राइट नाउ, तुम उस कॉलेज से मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा ही नहीं सकते हो, एंड दैट कॉजेज अ हेल लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन इंडियन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्पेशली एज पर माई एक्सपीरियंस. तो ये ट्रू है. नाउ कंसिडरिंग ऑल दिस, इंडिया में हर एक ईयर हर एक कॉलेज में एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाते हैं जिनको बस उस कॉलेज में जाना था, उस कोर्स में या फिर उस डिग्री में. आई डोंट नो, नीदर डू यू, बट इस चीज़ को हम लोग ओवरकम कैसे करें? लाइक वन माई कॉलेज स्टार्टेड, वो थैंकफुली, अब मैं बोलता हूँ थैंकफुली, ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, जिसके वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था टू नो माई सेल्फ बेटर एंड टू अपस्किल माई सेल्फ इन दैट गिवन टाइम. एंड नाउ यू कैन ऑल्सो डू द सेम थ्रू यूडेमी. लाइक सो मेनी अपॉर्चुनिटीज गेट अनलॉक्ड वेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बट वट एक्चुअली डज दैट रिक्वायर? अ कॉन्स्टेंट लर्निंग हैबिट, बट मोर इंपॉर्टेंटली एक्टिंग ऑन इट. सो इन दिस अपकमिंग ईयर ऑफ 2023, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टार्ट द हैबिट ऑफ अपस्किलिंग एंड लर्न modern age skills from the best instructors all across the globe, right from Udemy. For an instance, there's this complete 2023 web development boot camp by Dr. Angela Yu, which I'm planning to take इस winter vacation में, ताकि vacations भी utilize हो जाए और भैया final year भी आ रहा है, तो मतलब तुम समझ रहे हो ना बाकी. Like imagine this, getting the opportunity to acquire practical skills, not those pen and paper ones, and that too from the industry experts themselves. मतलब भैया और क्या ही चाहिए तुम्हें? तो भैया देखिए, 2022 तो खत्म होने को आ रहा है और 2023 के लिए सीखना हमने already शुरू कर दिया है और ये रुकनी नहीं चाहिए. तो हम भी चाहेंगे यू ऑल्सो स्टार्ट योर लर्निंग विथ यूडेमी टुडे. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जहां पर आपको एक स्पेशल प्राइस मिलेगा फॉर 24 आवर्स. डेफिनेटली चेक इट आउट. लाइक काफी जेन्युइनली, यूडेमी इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन यूजिंग सिंस 2020, जब से मेरे JEE एग्जाम्स खत्म हुए. एंड एज एन एल्डर ब्रदर, आई वुड सजेस्ट यू कि जाओ एंड जितना उस प्लेटफॉर्म को यू कैन यूटिलाइज, गो फॉर इट एंड स्टार्ट अपस्किलिंग नाउ. नाउ आफ्टर ग्राइंडिंग ऑल दीस डेज एंड नाइट्स फॉर JEE, यू माइट हैव दिस थिंग कि अब तो JEE हो गया, लाइफ इज सेटल्ड हियर.
सॉरी माई फ्रेंड, आप गलत थे. दिस इज वेयर द रियल गेम बिगिंस. सोसाइटीज, क्लब्स, स्पोर्ट्स फेस्ट, कॉलेज का वो पहला प्यार, उसी बीच मिड सेमेस्टर एग्जाम्स, दो दिन बाद एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, और उसके बीच में 10 लाख असाइनमेंट्स, लैब, वाइवा, क्विज, प्रैक्टिकल्स एंड 1000 टन्स ऑफ सेटबैक्स. एंड दिस इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ व्हाट दीज 4 ईयर्स कैन लुक लाइक. समटाइम्स लाइफ इतना ओवरवेलमिंग हो सकता है दैट यू कैन बी ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग, बट you won't be shedding even a single tear. And sometimes, I mean like most of the times, things can get so hectic and it will take a huge toll on your mental health. So, boss, agar aap ye funda leke chal rahe ho dimag mein ki JEE ke baad college mein aake life set ho jayega, it's a utter bullshit, a total lie which is being sold to you. Because just remember, JEE clear karna was a different thing and JEE ke baad college mein 4 saal survive karna is a totally different ball game altogether. Now after listening to all this, some of you might be like, IIT, NIT, maybe to wahi scene hai, then what's the whole point of going out there? But hear me out. Hailing from a typical Bengali middle class family, I can vouch on this thing ki agar aap ek acche college mein jaate ho, it can provide you a lot of things, a different exposure and more importantly, ek shortcut to nahi but ek tested trial, tried and proven roadmap jisse aap life mein jaake level up kar sakte ho. So for that thing, IIT, NIT. W, big W. And if you're someone who's preparing for JEE or NEET examinations and you have a target college in your mind, just give it your best shot. You will never regret it. And इस mindset में कभी मत घुस जाना कि अगर मेरे को IIT नहीं मिला, then life खत्म. अगर मेरे को IIT नहीं मिला, then I probably won't be able to go out there and succeed in life. And for any of you people जो कि अपने 75% attendance college assignment से fed up होके तंग आ चुका है, ट्रस्ट मी, मैं भी उसी सेम स्टेट में ही हूँ. एंड इफ वी हैव अवर बिग ड्रीम्स, इफ वी हैव अवर बिगर गोल्स, वील इवेंचुअली फिगर इट आउट थ्रू जस्ट ट्राइंग एंड गिविंग इट अवर ऑल इन अवर थिंग्स. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. करंटली मैं मुंबई आ गया हूँ घर, मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है. कॉलेज आई मीन थर्ड ईयर का 5th semester खत्म हो चुका है. सो इट्स माई विंटर वेकेशन गोइंग ऑन. बाकी वी आर गोइंग टू मनाली बहुत जल्दी, तो प्यारी प्यारी सिनेमैटिक वीडियो भी आएगी. और थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि घूमेंगे तो एन्जॉय करेंगे. एनीवेज, तब तक के लिए हंसते रहो. सायोनारा.